तो चलिए बच्चों, अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो दिया है उपर्युक्त सरसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एक्स। तो 1y1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्या है, x प्लस 2y + 4z का होल स्क्वायर, ठीक ना। और इसमें देखिए, जब क्वेश्चन xyz में रहेगा तो फार्मूला हम ABC लेंगे, और जब क्वेश्चन ABC में जब आपको रहे क्वेश्चन, तो आपको फार्मूला थोड़ा चेंज करना है, xy में लेना है। इसमें आइडेंटिटी नंबर 5 यूज करेंगे हम, क्योंकि A, B और C दिया है, या माने xyz होल स्क्वायर दिया, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, वो दिया आपको एक्स प्लस 2y + 4z का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो सर्टेन आइडेंटिटी यूज करके इनको सॉल्व करेंगे। तो लेट फर्स्ट यू वांट टू राइट हियर, लेट ए इज इक्वल एक्स, बी इज इक्वल 2y एंड सी इज इक्वल 4z। देन बाय यूजिंग फिफ्थ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एंड अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे ABC लिया है, इसलिए मैं फार्मूला भी चेंज करूँगा, ABC में कन्वर्ट करूँगा, जो कि बुक में XYZ में दिया था, या ABC में दिया होगा तब भी चल जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन पर ध्यान देना, अगर क्वेश्चन XYZ में हो फार्मूला ABC लेना है, ठीक है। इज इक्वल टू A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। अब यहाँ पे 1 by 1 ABC की वैल्यू पुट करना है, तो A की वैल्यू हुई X, B की वैल्यू हो गई 2y और C की वैल्यू हुई 4z का होल स्क्वायर कर दीजिए। A की वैल्यू हुई X का स्क्वायर, B का वैल्यू हो गया 2y का होल स्क्वायर, फिर सी 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, तो 2 लिखिए, a की वैल्यू फिर से आपको x और b की वैल्यू 2y, सभी में abc रखने हैं, ठीक है। x इंटू 2y प्लस 2bc 2y इंटू 4z प्लस 2ca, तो 2c की वैल्यू है 4z और a की वैल्यू है x, ठीक है। इतना जब कर ले तो अब यही तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था, इसका स्क्वायर तो वही हो गया, इनका स्क्वायर निकालना, 2y का होल स्क्वायर, तो 2 बार गुणा, तो 2 का 2 बार गुणा 4 हुआ, और 2y का 2 बार गुणा 2y². अगर ऐसा आप ना करना चाहें डायरेक्ट, तो आप क्या करिए, 2y × 2y लिखिए, और फिर नंबर से नंबर को गुणा, लेटर से लेटर को गुणा कर दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए ऐसे यहाँ पे 4² लिखा था, 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 हुआ, और z² z² प्लस, पहले लेटर का इंटू करेंगे, उससे पहले सबसे पहले आप सिंबल का करें, तो प्लस 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 प्लस, और जब पूरा क्वेश्चन प्लस में हो ना, तो आंसर प्लस में ही आता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब नंबर का 2 × 2 = 4, एक्स और वाई प्लस, फिर से 2 × 2 = 4 और 4 × 16, फिर वाई और जेड, पहले सिंबल के इंटू, फिर नंबर के इंटू, और फिर लास्ट में लेटर का, प्लस 2 × 8 ZX, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना।